रजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन में बनाई गई सबसे पहली सैनिटाइजेशन टनल। रजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन में सबसे पहले पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के मद्देनजर सैनिटाइजेशन टनल बनाई गई है, ताकि कोई भी पुलिस कर्मी या कोई नागरिक थाने में आता है तो वह पूरी तरह से सैनिटाइज हो सके। इस सैनिटाइजेशन टनल से गुजरने पर पूरी बॉडी सैनिटाइज हो जाती है। इस टनल की लंबाई 12 फुट और चौड़ाई 3 फुट है। इसमें 12 नोजल्स लगे हैं जिसके जरिए सैनिटाइजेशन होता है। इसके साथ ही थाने में फीवर चेक करने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग थर्मामीटर रखे गए हैं और सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही यहां पुलिस कर्मियों को पीपीसी किट भी उपलब्ध कराई गई है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहा है और इस महामारी से मुस्तैदी से लड़ भी रहा है। देश भर में इस समय सभी मीडिया कर्मी, सभी डॉक्टर, सभी पैरामेडिकल स्टाफ, सभी पुलिस फ्रंट फेस पे खड़े होकर कोरोना से फाइट कर रहे हैं और लगातार जो है देश के सभी फ्रंट फेस के जो कोरोना वॉरियर्स है उनकी लगातार कोशिश है कि देश के अंदर जो है कोरोना को हमें हराना है। सभी तरह की जो हमें प्रिकॉशंस दी जा रही है उस प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखकर कोरोना को इस जंग में जो है कोरोना को हमें हराना है। इसी के मद्देनज़र आज हम लोग जो है रजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहां पे पुलिस वालों की सुरक्षा के लिए यहां पे सैनिटाइजेशन टनल बनाई गई है। इस टनल में से जो भी पुलिसकर्मी, क्योंकि सभी पुलिसकर्मी जो है वो फ्रंट फेस पे, फ्रंट लाइन पे खड़े होकर इस समय कोरोना से जो है जंग कर रहे हैं और उनको इस जो है महामारी से बचाने के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा ये प्रक्रिया शुरू की गई है। जो भी थाने के अंदर जो है एंट्री करता है तो वो सैनिटाइजेशन टनल में से निकलेगा और पूरी तरीके से सैनिटाइज होकर जाएगा, ताकि जो है इसके संक्रमण से जो है बचा जा सके। क्योंकि सिर्फ बचाव ही जो है वही एकमात्र सहारा है कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए इंस्पेक्टर जी मौजूद हैं यहाँ पे, अतर सिंह जी, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर किस तरीके से जो है टनल काम कर रही है, किस तरह की इसमें केमिकल्स जो है वो है इसके अंदर। अतर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस के ऊपर। जो हमारा स्टाफ है वो फ्रंट लाइन पर है और आजकल ये जो कोरोना की महामारी फैली हुई है उसको देखते हुए हमने अपने स्टाफ को सुरक्षित रखने के लिए जो या और जो पब्लिक का जो बंदा आता है कंप्लेंट के लिए उनको सुरक्षित रखने के लिए सैनिटाइजेशन के लिए चैनल लगवाया हमने। इसमें से गुजरने के बाद में कंप्लीट बॉडी जो है वो सैनिटाइज हो जाती है। तो जब जो कंप्लेनेंट आता है तो हमारे स्टाफ को कोई उससे नहीं होता। अगर बाई दी वे कोई आ जाता है कोरोना का पॉजिटिव तो हमारा स्टाफ उससे संक्रमित नहीं होता। हमने अपने संतन को भी ये जो पीपी किट है ये मुहैया करवा रखा है और ये है फीवर गन, ये भी हमारे पास है। दूसरा ये जो हैंड सैनिटाइजेशन के लिए हमने वहाँ ड्यूटी अफसर के पास भी रखा हुआ है और यहाँ भी रखा हुआ है। तो कंप्लीट सैनिटाइज होने के बाद में ही कंप्लेनेंट अंदर जाता है और स्टाफ भी अंदर जाता है। तो सर, और किस तरह की प्रिकॉशंस जो है वो आप लोगों की तरफ से ली जा रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है लगातार इस मुहिम में जुड़ा हुआ है, लगातार लोगों को अपने घरों में सुरक्षित रहने के लिए अपील कर रहा है, फ्रंट लाइन पे खड़ा होकर इस महामारी से लड़ रहा है। तो और किस तरीके की थाने के अलावा जब बाहर पुलिसकर्मी और सिपाही जा रहे हैं तो उनके लिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? हमारा स्टाफ है उसको हमने ब्रीफ कर रखा है कि जो सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन करते हुए जो है पब्लिक को डील करना है, मास्क लगा के रखना है, हैंड ग्लोव्स रखते हैं और जो पब्लिक है उसको भी पीए सिस्टम के द्वारा और ये हमारी मोटरसाइकिल पर भी जो लगा हुआ है लाउड एलर, इसमें जिप्सी में भी लगा, उसके थ्रू भी हम जो पब्लिक को अवेयर करते हैं। किस तरीके का केमिकल जो है इसके अंदर है, कितने नोजल पे और किस तरीके से काम कर रही है? इसमें इसकी लंबाई है लगभग 8 से 10 फीट की, चौड़ाई है 3-3.5 फीट की और नोजल है इसमें है 12 नोजल है। तो इसके ऊपर भी, छत के ऊपर भी है ताकि सर के ऊपर भी जो है सैनिटाइज हो जाए और एक राउंड लेने के बाद में पूरी होल बॉडी जो है वो कम हो जाती है, सैनिटाइज हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि इंस्पेक्टर सर ने बताया कि इसके अंदर जो है जो ये टनल बनाई गई है इसमें आप देख सकते हैं जिस तरीके से 12 जो नोजल्स लगे हुए हैं, ऊपर छत पे भी नोजल्स लगे हुए हैं, लगातार इसमें से जो है केमिकल और पानी जो है ये निकल रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर इसके अंदर से गुजर के आता है तो वो पूरी तरीके से जो है सैनिटाइज इसके अंदर से होके निकलता है। इससे क्या है कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं जो बाहर से ड्यूटी करके आ रहे हैं और किसी तरीके की लोगों के संपर्क में आ रहे हैं तो उनका संक्रमण होने का जो खतरा है वो काफ़ी कम रहता है। आप देख रहे थे हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज़।
बाकी यहाँ मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाना चाहूँगा जो सर ने दिखाई। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पे ये फीवर चेक करने वाली जो स्क्रीनिंग की मशीन है वो भी रखी गई है, सैनिटाइजर रखा गया है और इनको पूरी तरीके से ये पीपीई किट भी जो है प्रोवाइड कराई गई है और पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन जो प्रिकॉशंस है वो लेके मुस्तैदी से तनी है और पूरा देश इस समय एकजुट हुआ पड़ा है कोरोना महामारी को हराने के लिए। देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस की।